कटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, एके मिश्रा जी, उनसे बात करते हैं, उनके पास चलेंगे। मिश्रा जी, मौत में ठन सी गई है, उनकी कविताएं काफी फेमस और चर्चित रही हैं और इस समय वो हो भी रहा है और देश की धड़कन जो है वो भी थम सी गई है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व ऐसा ही रहा है, मौत से ठनसी गई है अगर उन्होंने ये कविता कभी लिखी थी। और एक वर्ड मुझे और भी याद है, काल के कपाल पर। आप देखिए, देखने वाली बात यह है कि कविता के द्वारा जो शब्द निकलते हैं वो आदमी की विचारधारा को वो बताता है। अटल जी का जैसे उनका नाम है, मैंने अभी पहले भी बोला था कि अटल जी का जैसा नाम है, उनका काम भी अटल का एक पर्यायवाची ही था कि जो चीज वो ठान लेते थे वो करते थे। हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है। मैं आपको बताऊं, जब वो राजनीति में आए थे तब भी उनके सामने मृत्यु तुल्य ही एक चुनौती थी। जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, उसकी संकल्पना करके उसको मूर्त रूप में प्रदान करना और इतने दिनों तक संघर्ष करके और उस पार्टी को जो है पराकाष्ठा पे पहुंचाना, ये भी मौत के ऊपर विजय पाने जैसा ही उतना ही कठिन काम है। तो मौत से ठनसी जो गई है, मैं आपको एक चीज आश्वस्त कर दूं, हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पहले एक बार नहीं, हजारों बार उन्होंने मौत या उससे संबंधित उसके जैसे ही दुष्कर चीजों को, चुनौतियों को मात दिया है और आज भी ये मौत को मात देंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और अटल बिहारी जी के ऊपर काल का या मौत का, ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर इनका कभी कोई असर नहीं पड़ता है, ये काल से भी निष्प्रभावी रहते हैं, ये काल से परे व्यक्तित्व हैं। और मौत, देखिए, मौत होना, डेथ होना, वो एक नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन इन चीजों के बाद भी अगर आप ये देखेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी, जब भी राजनीति का नाम लिया जाएगा, मौत को मात देते हुए भी ये लोग हमेशा जिंदा रहेंगे, ये लोग हमेशा याद किए जाएंगे। जी बिल्कुल मिश्रा जी, जिस तरीके से देखा जाए, उनके व्यक्तित्व की बात की जाए, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो कम्युनिस्ट थे, अगर कहा जाए तो? नहीं, देखिए, नहीं, कम्युनिस्ट ऐसे नहीं थे। देखिए, मैं आपको बताऊं, हार्ड कोर पॉलिटिक्स को आप दो पार्ट में, मैम, देखिए, होता क्या है कि अगर आप हार्ड कोर लाइनर बन रहे हैं तब तो वहां इजिली जो है इस चीज को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि ये आदमी कम्युनिस्ट है कि नहीं है, या राइट विंग है या लेफ्ट विंग है, अगर 100% हार्ड कोर कोई हो जाए। लेकिन जो हमारे यहाँ की जो राजनीति रही है, अगर आप ये देखें, बीच बीच में ऐसे कुछ कालखंड आते रहे हैं जहां पे कि ये क्लियर हो जाता था कि भाई अब ये बिहेवियर डिक्टेटरशिप हो गया या कम्युनिज्म टाइप का ये हो गया, सारी चीजें हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी को तो आप कभी न तन से, न मन से, न धन से आप उनको कम्युनिज्म बोल नहीं सकते हैं। देखिए, हमारे देश का जो मतलब तरीका है राजनीति का, लोकतंत्र का, मतलब ये होता है हर वो अच्छी चीज, चाहे वो कम्युनिज्म में हो, जैसे कम्युनिज्म में ये होता है कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, कम्युनिज्म का जो फंडा होता है कि जो रिसोर्स है वो सब तक पहुंचे, तो क्या लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये नहीं है? डेमोक्रेसी का भी यही सिद्धांत होता है कि हर आदमी तक जो है मदद पहुंचे, हर आदमी तक सारी सुख सुविधाएं, कानून व्यवस्था, न्याय पहुंचे। तो लोकतंत्र अपने आप में ये है कि जितने पॉलिटिक्स के और दूसरे तरीके हैं, जो सिद्धांत है, उनकी अच्छी चीजों को मिला करके लोकतंत्र बनता है। अगर आप कोई एक चीज बोले डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म या लीडरशिप स्टाइल जितनी होती है, कम्युनिज्म बोल देने का मतलब है वो अपने आप में उसका सिद्धांत बहुत लिमिटेड हो गया। जब आप लोकतंत्र बोलते हैं तो वो एक बहुत विशाल सिद्धांत को अपने अंदर समाहित किया रहता है। और लोकतंत्र का सिद्धांत यही है कि कैसे भी करके पूरे, मतलब अपने देश में जितने लोग हैं, हर लोगों का भला किया जाए, उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाए, उनको काम किया जाए। हमारे संविधान की भी अवधारणा यही है, नियम कानून बदल सकते हैं, लेकिन मूल अवधारणा जो सोच है वो ये है कि कतार में खड़े हुए अंतिम आदमी तक भी इस राष्ट्र के जितने भी रिसोर्स हैं वहां तक वो पहुंचने चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए और उसको एहसास होना चाहिए कि हाँ, ये देश मेरा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी कम्युनिज्म नहीं थे, हो सकता है कुछ ऐसे सिद्धांतों को उन्होंने लोकतंत्र में उतारा हो जो कम्युनिज्म की अच्छी चीज हो सकती है, तो उसके कारण ये बोला जा सकता है।
लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन उदारवादी चेहरा उनका जरूर रहा। देखिए उदार वो हमेशा से, देखिए मैंने अभी पहले भी मैंने ये बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पूरा व्यक्तित्व तो रहा है वो अपने आप में, देखिए एक होता है मैकेनिकल और एक होता है जहां पे मानवीय भावनाएं होती हैं। लोकतंत्र से, राजनीति से भी या किसी भी तरीके की ग्रोथ से अगर आप मानवीय संवेदनाओं को हटा दीजिए तो वो मूल्य रहित हो जाता है। लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सबसे खास, देखिए मानवीय संवेदनाएं किसके पास होती हैं या किसी के पास है कि नहीं कैसे पता करेंगे? जिसके पास मानवीय संवेदना नहीं है वो कभी नहीं हो सकता है। वो एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, सिविल इंजीनियर ये सब तो हो सकता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी देखिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक कवि भी थे, बहुत अच्छे वो प्रशासक भी थे, उसके बाद आप ये देखिए बहुत अच्छे वो राजनेता भी थे, बहुत अच्छे वक्ता भी थे और समाज से भी हमेशा जुड़े रहते थे। तो आप ऐसा कहीं भी उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं कि उनके अंदर कभी 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 कोई कमी थी। राजनीति में मानवीय संवेदना हमेशा बनी रहे, जिस मानवीय संवेदना का मतलब हो गया कि राजनीति की जान, अगर मानवीय संवेदना को आप राजनीति से हटा दीजिए तो राजनीति की हालत यह हो जाएगी जैसे आत्मा या प्राण के बिना कंकाल शरीर हो जाता है। तो ये उनकी USP रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो पहले और आज के नेताओं में नहीं दिखती है। जी सर, सेक्युलरिज्म की बात की जाए तो दक्षिणपंथी जो नेता थे उनसे ज्यादा सेक्युलर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सेक्युलरिज्म को मैं तो देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप उनको किसी परिभाषा में बांध नहीं सकती है। आपके इस सवाल का जवाब मैं केवल एक उदाहरण से दूंगा। ऐसा कौन सा नेता होगा, ये वीडियो पड़ा हुआ है और मैं किसी बिना लाग लपेट के बोलता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वहां गए थे तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बोला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बोला था कि मैं सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए। मतलब राजनीति से ऊपर उठ करके कोई आदमी, बिरले ऐसे आदमी मिलते हैं जो इस तरह का वक्तव्य दें और अपने पार्टी के लोगों को बोले कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, तुमने सही किया कि तुमने गलत किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो जल्दी किसी और नेता के साथ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहले ऐसी घटनाएं देखिए, ऐसी घटनाएं जब हुई हैं तो पॉलिटिकल पार्टी या नेताओं ने किसी न किसी को, मतलब सेलेक्टिव होकर किसी न किसी का पक्ष ले लिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा थे जिन्होंने कि किसी भी पैरामीटर पे कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। जी सर, अगर बात की जाए तो पहले जितने भी नेता रहे हैं वो जो भी बोलते थे जनता करीब महसूस करती होगी, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी मंच से बोलते थे तो उनके भाषण में जो हिंदी रहती थी वो चीज जनता को ज्यादा अट्रैक्ट किया। नहीं देखिए अटल बिहारी केवल हिंदी लैंग्वेज का नहीं है, गूंज वहां पर दिखाई देती थी उनके भाषण में। देखिए हिंदी तो मैं भी बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, सब लोग, हजारों लोग बोल रहे हैं, फर्क क्या था? और मैं ये भी बोलता हूँ, बात यहाँ हिंदी इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज की नहीं है, भारत में हजारों भाषाएं हैं और हर भाषा हिंदी की ही तरह मधुर और रिच है अपने आप में। फर्क कहाँ आता है, जो मैंने आपको एक चीज बोला है, मैकेनिकल होना, आर्टिफिशियल होना और ह्यूमन जो है मानवीय संवेदनाओं का पुट होना। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हिंदी बोलते थे तो फर्क क्या होता था? अब अगर कोई एक रोबोट या कोई टेप्रिकार्ड या कोई ऐसा यंत्र हिंदी बोले तो उसमें जान नहीं दिखती है, मानवीय संवेदना नहीं होती है, क्योंकि वो मानवीय संवेदना के धनी थे, उनके दिल और दिमाग में मानवीय संवेदना पूरी भरी हुई थी। तो वो जब भी जो भी उच्चारण करते थे लोगों को लगता था कि अरे हाँ, आदमी उससे बंध सा जाता था, वो फील करता था कि अरे ये मेरी बात बोल रहे हैं। एक लीडर के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज ये होती है कि कम्युनिकेशन जब वो एस्टेब्लिश करे श्रोता के साथ, तो श्रोता को ये लगना चाहिए कि अरे हाँ ये तो मेरी बात है, अरे यही भावना जो ये बोल रहे हैं यही मेरे साथ हो रहा है, ये मेरी भावना है, ये मेरी फीलिंग्स है। इस तरह की फीलिंग्स को डेवलप कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये ऐसी फीलिंग, ऐसे मतलब बॉन्डिंग तभी तक होगी श्रोता और वक्ता में जब ऐसी फीलिंग डेवलप होगी, और ऐसी फीलिंग डेवलप वही करा सकता है जो चहुमुखी मतलब प्रतिभा का धनी हो, जिसके अंदर जिसके हृदय में मानवीय संवेदना रहती हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर ये कुछ खूबियां थी जिसके कारण जब वो बोलना शुरू करते थे ना, आप संसद में देखिए कई बार जब वो बोलते थे, चाहे वो विपक्ष की बुराई ही क्यों ना कर रहे हो, निंदा ही क्यों ना कर रहे हो,
लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस आ जाता था। इतना सम्मोहन, इतना अट्रैक्शन उनके भाषण में होता था कि हर आदमी बिना शोर शराबे के सुनता था। तो ये एक बहुत विलक्षण प्रतिभा के वो धनी थे। और सबसे खास बात यह है कि मानवीय संवेदना का होना, उनके भाषण में भी मानवीय संवेदना होती थी, उनके सोच में भी मानवीय संवेदना होती थी, जब वो अटैक करते थे विपक्ष के ऊपर तब भी मानवीय संवेदना होती थी। ये चीज जल्दी मिलना बहुत मुश्किल होता है जी सर। लेकिन इस समय बात की जाए, वो विपक्ष के प्रति अटैक किया करते थे, लोग वहां पर देखते थे, लेकिन इस समय जो हालत है वो ये, उनकी मीठी जुबान जो थी वो विपक्ष को भी समेटे रखती थी। देखिए मैं आपको बताऊं, कड़वी जुबान बोल करके भी अगर देश का भला नहीं हो रहा है या आपका टारगेट नहीं हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है जी। सवाल यह है कि भाषा और भाषा का प्रयोग हमारे ही संस्कृति नहीं, सबकी संस्कृति में, संसद या राजनीति ये तो है नहीं ना कि आप गोली और बंदूक और तलवार से लड़िए। हमारे देश में जो लोकतंत्र की अवधारणा है वो अवधारणा है कि आपको अटैक करना है, आपको सुधार करना है, आपको कुछ भी करना है वो आप तर्क वितर्क से करेंगे, एक बौद्धिक तर्क वितर्क से आमने सामने बैठ के। विधानसभा में, संसद में हर जगह पक्ष के लिए विपक्ष के लिए सीट अवेलेबल है, हर आदमी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो केवल तर्क वितर्क करना, लॉजिक करना ही हर समस्या का समाधान लोकतंत्र में होता है। और इस चीज में भी अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, मतलब उनके पहले भी ऐसे नहीं हुए हैं और उनके बाद में अभी तो खैर नहीं है। तो ये एक भाषा के ऊपर आपका कमांड क्या होता है, क्योंकि वो खुद भी पत्रकारिता से जुड़े थे, ग्राउंड लेवल के वो लीडर थे, तो भाषा को जितनी अच्छी तरीके से वो समझते थे। यही कारण है कई बार मुझे ये लगता है कि भाषा और वो एक दूसरे में समाहित हो गए थे, कोई ये अलग नहीं कर सकता था कि हाँ भाई ये भाषा अलग है, ये अलग है, इनके मन में विचार कुछ और है, दिल में विचार कुछ और है। जो उनके दिल में होता था वही उनके मुंह से निकलता था, ये उनका कमांड था भाषा के ऊपर। तो सर आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी एक अलग ही शख्सियत रहे हैं अपने समय की, उन्हीं के साथ अगर बात की जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा साथ में रहे हैं, हर जगह एक साथ खड़े हुए, मतभेद रहे उन दोनों के बीच में लेकिन फिर भी उन्होंने साथ ही आगे बढ़े हैं, राम लखन की जोड़ी रही है दोनों की। नहीं देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करना उचित नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है, और वो एक जन्मजात, उसके दो वो मतलब फैक्टर्स होते हैं, एक तो जो जन्मजात होता है और दूसरी चीज होती है जो ग्रूमिंग होती है, मतलब पूरे लाइफ में जो ग्रूमिंग होती है। ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि एक मतलब रथ के अगर आप ये दो पहिए देखें तो ये उस तरीके से है। हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी जो सफलता की पराकाष्ठा पे पहुंचे तो कहीं ना कहीं वहां पे जो है उनके जो दूसरे सहयोगी रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनका भी रोल कम नहीं है, उनका भी योगदान कम नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं, मैं आपको बता दूं, और दोनों ने ही मिलके एक दूसरे को और अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को, या उनके टाइम जो गवर्नमेंट थी उस चीज को, उन्होंने उन सारे काम को, प्रगति के कामों को आगे बढ़ाया। और अगर दोनों एक दूसरे को कभी क्रिटिसाइज करते थे तो इससे अच्छा उदाहरण आपको क्या मिलेगा। आज तो आप ये देखिए कि विपक्ष भी क्रिटिसाइज करता है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कोई सुनने को रेडी नहीं है जी। उसके लिए भी बहुत विशाल हृदय चाहिए होता है कि आपका सबसे नजदीकी आदमी, क्या आपने उसको इतनी सुविधा, इतना हक दिया है कि आपका नजदीकी आदमी ही आपको क्रिटिसाइज करे और आप उस क्रिटिसिज्म को सुन करके भी आप अपने आप को इम्प्रूव करें। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं इसको मानता हूं, और इसको अपने दैनिक जीवन में, इसको जो है आचरण में सब लोगों को लाना चाहिए जी। सर बिल्कुल इमरजेंसी का समय था उस समय, और जब अटल बिहारी वाजपेयी उसके बाद आए तब उस समय उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि दुनिया दीवानी हो गई उनकी, और उसके बाद वो पहले प्रधानमंत्री बने जो गैर कांग्रेसी होके उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। देखिए क्या है कि कांग्रेस का जो इतने दिनों तक शासन रहा है, इमरजेंसी अगर ये देखा जाए तो अब उसके लगने के पीछे जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो डिसीजन था उसके पीछे बहुत सारे पर्सनल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रीजन हो सकते हैं, हम उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन इमरजेंसी का जो दौर था वाकई में वो लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। समस्या कितनी भी बड़ी हो आपस में बैठ के वोटिंग करके या जो संविधान में जो तरीके दिए गए हैं उनको जो है
है उन तरीकों को अपना के उन प्रॉब्लम्स को उन समस्या को दूर किया जा सकता है। जब लोकतांत्रिक अधिकारों का मूल्यों का और सिद्धांतों का हनन हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उसका विरोध करने में बिना ये सोचे हुए कि इसका परिणाम क्या होगा वो वहाँ पर भी जो है वो सबसे आगे थे। और रही बात कांग्रेस, देखिए मैंने आपको बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी की सफलता, प्राइम मिनिस्टर बहुत से लोग बनते हैं, जीतना हारना चलता रहता है, उनकी सफलता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? उनकी सफलता इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सोचना या ये परिकल्पना करना जब चारों तरफ कांग्रेस थी, कांग्रेस के सिवा कोई और नहीं था, कोई आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम एक पार्टी बनाएं और पार्टी बनाने के बाद वो पार्टी पूरी की पूरी जो है जाकर के डोमिनेट करे और इलेक्शन जीते, ये आदमी कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे भीषण कठिन समय में जब उनके साथ कोई नहीं था, उन्होंने पार्टी के कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप दिया, आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद जो सबसे टॉप लेवल का सक्सेस होता है यानी सरकार बनाना और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करना, ये अपने आप में बहुत चुनौती भरा जो है संघर्ष था। और इन्हीं सब चीजों के कारण लोग उनको अटल बोलते हैं कि जो उन्होंने ठान लिया वो उसको उनको करना ही करना है, वो करके दिखाया उन्होंने। जी, वहीं उनके दिल में किसी भी को भी लेके कोई कड़वाहट नहीं थी क्योंकि उन्होंने एक समय मुशर्रफ से भी हाथ मिलाया था। सर देखिए, जब आपके प्रिंस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एक सबसे अलग खूबी जो कि उनको दूसरे नेताओं से अलग करती है, मैं आपको बता दूं, वो सबसे बड़ी खूबी उनकी ये थी ना कि कभी भी हो, कुछ भी हो, आपका विरोधी है, आपके विरोधी को परास्त करना है तो उसको भी सहृदयता से परास्त करना है, अच्छे तरीके से परास्त करना है, तलवार से परास्त नहीं करना है, गोली और बंदूक से परास्त नहीं करना है। यही चीज, यही रीजन था कि उनका ये एक सिद्धांत था। मैंने कई बार ये बोला है, मानवीय संवेदनाओं के वो उतने धनी थे जितने आजकल के नेता नहीं मिलते हैं, लोगों के अंदर ये मिलता नहीं है, ये कैरेक्टर मिलता नहीं है। यही रीजन था कि दुश्मन देश होने के साथ भी उन्होंने एक मिनट की भी देरी नहीं लगाई और मुशर्रफ के साथ भी उन्होंने जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लाहौर वगैरह गए थे, वहां मिलने के लिए भी गए थे, अपने तरफ से उन्होंने कोई भी जो मानवीय संवेदना के आधार पर समाज को, देश को आगे बढ़ाने में जो पहल होनी चाहिए थी उन्होंने एक भी मौके को गंवाया नहीं, चाहे वो विपक्ष के साथ मिलकर काम करना पड़ा हो, चाहे उनके घोर से घोर प्रतिद्वंदी के साथ, मैं तो समझता हूं जो कम्युनिज्म है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनसे ज्यादा घोर प्रतिद्वंदी और विरोधी कौन हो सकता है, कांग्रेस भी उतना नहीं हो सकती है, लेकिन उनके संबंध उनके साथ भी बहुत मधुर थे। जो आपके कम्युनिज्म के, कम्युनिस्ट वगैरह के जो भी नेता थे, कांग्रेस के जो भी नेता थे, यही चीज मैं आपको बोलता हूं कि न केवल पक्ष का, न केवल उनकी पार्टी के आदमी या नेता उनको अपना नेता मानते थे, विपक्ष के लोग जो उनके घोर विरोधी थे उनको भी अपना नेता मानते थे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अटल बिहारी जी का मतलब यह होता है, ही वॉज लीडर ऑफ लीडर्स, यानी वो नेताओं के नेता थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी, ही वॉज नॉट मियरली अ लीडर, इन ट्रू सेंस ही वॉज लीडर्स ऑफ लीडर, ही लीडेड, उन्होंने किसको लीड किया, ही लीडेड टू लीडर्स। जी सर, अगर बीजेपी की बात की जाए तो उनके लिए कितनी बड़ी क्षति? मैं सुन नहीं पाया फिर से, उनके लिए कितनी बड़ी क्षति? नहीं, उनके लिए कितनी बड़ी क्षति? क्षति जी मैम, देखिए अगर क्षति की बात की जाए तो अटल बिहारी जैसे व्यक्तित्व का अगर मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि जब वो सक्रिय राजनीति से अलग हुए, क्षति तो प्रारंभ तभी जो है वो होनी शुरू हो गई। और देखिए, ये एक अपूर्णीय क्षति एक शब्द होता है, हो सकता है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री उनके बाद आए जो देश को बहुत ऊंचाई पे ले जाए, या उनसे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग होंगे, लेकिन उनका जो यूएसपी है, जो एक ऐसी चीज जो उनको दूसरे लोगों से, दूसरे नेताओं से या किसी भी और प्रोफेशनल से, आदमी से सबसे अलग करती है, उसी के कारण ये बहुत अपूर्णीय क्षति होगी, ये नॉन कंपनसेबल होगी, ये नेवर कंपनसेबल होगी। उनके सिद्धांतों को दूसरा कोई प्रतिपादित नहीं कर सकता है, और प्रतिपादित करेगा भी तो ऐसी विषम परिस्थितियों में उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। लोग भाग खड़े होते हैं इतनी विषम परिस्थितियों में, लोग सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेते हैं, एक सीट के साथ चाहते तो वो भी समझौता कर सकते थे और प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, वो नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं लोग कितनी सीटों का हेर फेर हो रहा है कि कैसे करके हमें पोस्ट मिल जाए, हमारी सरकार बन जाए। वो चाहते तो एक सीट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संसद में खुल्लम खुल्ला भाषण बोला था कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे समझौता कर लेगा तो सरकार के लिए एक सीट से भी समझौता नहीं करेगा। ये भाषण देखने वाला, वो जो 10-15 मिनट की क्लिपिंग है, ये देखने वाली है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अगर ये क्वेश्चन आप पूछे कि कितनी क्षति होगी,
तो शायद इसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई तराजू नहीं है जिसको तौल करके बताया जा सके या माप के बताया जा सके कितनी क्षति होगी। राजनीतिक पटल पे एक बहुत बड़ी क्षति होगी जिसकी भरपाई फ्यूचर में भी नहीं हो पाएगी और पास्ट में तो था ही नहीं, वो जाने दीजिए आप उसकी बात। ये एक ऐसे राजनीतिक माहौल की जहां पे कि एक पार्टी का वर्चस्व हो, जैसे कि उस समय कांग्रेस का था। कांग्रेस मतलब राजनीति, कांग्रेस मतलब सरकार, सरकार मतलब कांग्रेस, राजनीति मतलब कांग्रेस, ये सारे वर्ड सिनोनिम्स थे, एक दूसरे के पर्यायवाची थे। आज आप देखिए, आज कोई भी छोटा बड़ा नेता हो सबसे पहले वो ये देखता है कि सिद्धांतों से समझौता कर लो, कैसे भी किसी भी पार्टी से समझौता कर लो, स्ट्रगल ना करना पड़े और कैसे भी शॉर्टकट तरीके से हमें मंत्री की पोजीशन मिल जाए। उस वक्त उस कठिन दौर में भी जहां बिल्कुल भी एक नए राजनीतिक हलचल या एक्टिविटी के लिए जगह नहीं थी, वहां ने परिकल्पना, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नई राजनीतिक पार्टी की परिकल्पना की, एक नए राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि अगर ये पार्टी जीतती है तो किस तरीके से देश को ये आगे बढ़ाएगी। उस वक्त मैं ये मानता हूं कि ऐसा सोचना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा हिम्मत का काम था, जल्दी ऐसा कोई आदमी सोच नहीं सकता है। उन्होंने न उसको केवल सोचा, अभी आपका जो चल रहा था ये वॉयस मैं सुन रहा था कि जिसमें उन्होंने बोला था कि कमल सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा जरूर। जी बिल्कुल, जिस भावना से उन्होंने ये बोला था, अगर आप इसको देखिए ना, तो इससे पता चलता है कि वो कितना आत्मविश्वास उनके अंदर था कि घोर से घोर परिस्थिति में भी वो देखिए संघर्ष करते रहे। और वो एक ऐसे आदमी थे, इतनी घोर परिस्थिति में संघर्ष करते हुए भी अपनी कल्पना को मूर्त रूप में साकार करना। आज जो बीजेपी है वो आज के नेताओं के कारण नहीं है, आज की जो बीजेपी सफलता के शिखर पे पहुंची है उनको जाकर के ये देखना चाहिए कि कितने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है, तब जाकर के ये बीजेपी जो है सफलता के शिखर पे पहुंची है। और पक्ष बिल्कुल बीजेपी को शिखर तक पहुंचाने में वाजपेयी जी का अहम योगदान रहा है। और एक चीज ये भी है कि उनके शख्सियत के इर्द गिर्द पूरी कहानी सिमटती है, और इसीलिए ये माना जाता है कि राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई दूसरा नेता हो ही नहीं सकता। ये एकदम सत्य है। देखिए उसका एक कारण है, राजनीति अपने आप में ऐसा नहीं है कि आपको केवल राजनीति करनी है। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी, एक ऐसे लीडर जिसको कि हर आदमी अपना लीडर माने, जो कि मतलब जो कि हर आदमी को प्रभावित करे, सरकार किसी की भी हो, चुनाव जीते या हारे, पॉलिटिक्स या राजनीति अपने आप में जो सोसाइटी है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट अंगों को या वर्टिकल को टच करती है। राजनेता होने के साथ साथ आपके अंदर एक मानव हृदय का होना जरूरी है, एक उन्नत सोच का होना जरूरी है, एक सिद्धांत का होना जरूरी है, मानवीय संवेदनाओं का होना जरूरी है, ग्रोथ और विकास के लिए जितनी जानकारी होना चाहिए आपका माइंडसेट वो होना भी जरूरी है, एक वैश्विक पटल पे भी आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए। मैं इस चीज को कभी, मैं क्या, कोई भी आदमी अगर ये देखेगा तो शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद भी अगर ये देखा जाए तो ऐसे व्यक्तित्व, स्वतंत्रता के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ के मुझे कोई दिखता नहीं है कि जिसमें सारी खूबियां रही हो। वो एक कवि भी थे, वो एक राजनेता भी थे, बहुत ही कोमल हृदय के वो एक व्यक्तित्व थे, दृढ़ से दृढ़, मतलब आप ये प्रतिज्ञा उनकी इतनी दृढ़ रहती थी कि एक वोट के लिए भी उन्होंने समझौता नहीं किया सिद्धांतों के साथ। तो ऐसे व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण अपने आप में एक बहुत असंभव सी चीज मुझे लगती है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जब विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने कई बार जो सत्ता पक्ष में था उनको जबरदस्त अपना पूर्व विरोध उन्होंने दर्शाया है। विपक्ष में रहते हुए भी, विपक्ष के नेता के तौर पर भी उनकी जो भूमिका थी वो बेहद अहम थी। देखिए विपक्ष की भूमिका क्या होती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष स्ट्रांग नहीं है, अगर विपक्ष के नेता स्ट्रांग नहीं है, इनफैक्ट अगर देखा जाए ना तो विपक्ष के जो नेता या विपक्ष की जो पार्टी है, कंस्ट्रक्टिव वे में देखा जाए, वो पक्ष के लिए उसका रोल क्या होता है जो सत्ता में है। इनफैक्ट अगर ये देखा जाए, जैसे घोड़े पे सवार जो घुड़सवार होता है ना, डायरेक्शन घोड़े को जो देता है वो काम विपक्ष का होता है। यानी पूरे के पूरे सिद्धांत, राजनीति के सिद्धांत, दशा और दिशा, देश का विकास किधर जाना चाहिए, इसकी दशा और दिशा बहुत कुछ विपक्ष तय करता है। अगर विपक्ष मजबूत ना हो, विपक्ष उन्नत ना हो, विपक्ष के पास सिद्धांत ना हो, तो जो सत्ता पक्ष है वो निरंकुश हो जाएगा और ऐसे में राजनीति की पूरी दशा, दिशा और परिभाषा भी बदल जाएगी। इसके उदाहरण हमने भारत में और विदेशों में भी देखे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो रोल रहा है वो विपक्ष में रहते हुए टॉर्च बीरर का रोल रहा है, मार्गदर्शक का रोल रहा है, जबकि उन्होंने पक्ष को, सत्ताधारी पक्ष को कई बार मार्गदर्शित किया
कि देश को देश के लिए कैसी नीतियां बननी चाहिए, राजनीति क्या हो, ताकि सबका साथ सबका विकास जो आज ये कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट मूर्त रूप में तो उसको प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही दिया था जी बिल्कुल। और राजनीति के सफर में न जाने उनसे कितनी बार किसी से ठनी, लेकिन किसी से कोई लड़ाई उस हद तक नहीं बिगड़ी कि वाजपेयी जी से नजर मिलाना मुश्किल हो जाए। और शायद इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आज उन्हें अस्पताल देखने के लिए पूरा विपक्ष उमड़ पड़ा। शुक्ला जी देखिए, जब प्रतिद्वंदिता, राजनीति में भी प्रतिद्वंदिता होती है, उनके भी पक्ष के विपक्ष में थे, लेकिन जब प्रतिद्वंदिता सिद्धांतों के ऊपर होती है, हेल्दी वे में होती है, तो शायद वो प्रतिद्वंदिता बड़ी महान होती है। और इस प्रतिद्वंदिता को पैदा करने के लिए, ऐसे कॉम्पिटिशन के नेचर को पैदा करने के लिए पक्ष या विपक्ष नहीं, वो केवल और केवल वो एक व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व था जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। मैं ये फिर से बोलना चाहता हूं कि ऐसे कंडीशन में भी अगर उनको आरोप भी लगाना है अपने प्रतिपक्ष पे, सत्ता पक्ष पे या अपने विपक्षियों पे, तब भी उन्होंने मर्यादाओं का हनन नहीं किया। ऐसा नहीं कि जैसे आज हो रहा है कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे, किसी को भी कुछ बोल दे और लाइम लाइट में वो आ जाए। तो उन्होंने ऐसे घोर से घोर विकट परिस्थिति में भी उन्होंने विपक्ष के ऊपर, पक्ष के ऊपर आरोप लगाने में भी उन्होंने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। जब व्यक्तित्व अपने आप में इतना महान होता है तो निश्चित है कि उसका पद, चाहे वो सत्ता पे रहे, कुर्सी पे आसीन रहे या कुर्सी पे न रहे, अपने आप उसका कद इतना ऊंचा होता है कि पहले भी नहीं, आज भी नहीं और बाद में भी कोई भी आदमी उनसे आंख में आंख नहीं मिला सकता है। बिल्कुल मिश्रा जी, एक चीज और कि वाजपेयी को अक्सर बीजेपी का उदारवादी चेहरा कहा जाता है, आरएसएस का मुखौटा कहा जाता था, लेकिन सौ में मुस्कान से उनकी पार्टी के हिंदुत्व समूहों के साथ संबंधों को उनके छुपा कर रखती थी। नहीं देखिए, ऐसा आप देखिए, ये एक सिद्धांत था, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि दो अलग तरीके की विचारधाराएं थी हैं या होगी कि एक उदारवादी और एक अनुदारवादी या एक उग्र रूप का। मैंने आपको फिर बोला कि उन्होंने जो पार्टी का अपना, चूंकि वो फाउंडर मेंबर वगैरह थे, शुरू से लेकर के उन्होंने अपने पूरे पार्टी के जो सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जो सिद्धांत उन्होंने बनाया और उन सिद्धांतों का उन्होंने प्रैक्टिकल में जो इम्प्लीमेंटेशन किया, उसकी अगर एनालिसिस करें तो हमें यह लगता है कि वहां पे उग्र जैसे शब्द के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी, उस सिद्धांत के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। यही रीजन रहा है कि पूरे राजनीतिक जीवन में जो उनका फलसफा रहा, जो उनके प्रिंसिपल रहे, उदारवादी। और मैं एक चीज और बोलता हूं, लोकतंत्र का मतलब ही है उदारवादी होना। मैं आपको, जिस दिन लोकतंत्र में राजनीति या सिद्धांत उदारवादी नहीं रहेंगे ना, उस दिन वो लोकतंत्र लोकतंत्र ना होकर डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो लोकतंत्र का सही मामले में प्रदर्शन करना, दिखाना, उसको सही मामले में इंप्लीमेंट करना, तो ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने नेतृत्व में खुद किया और अपने एक एक पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरा करवाया। तो आप ये ना बोलिए कि केवल वो एक उदारवादी पक्ष था या एक उदारवादी पहलू था। असली लोकतंत्र का जो पहलू था वो वही था कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, जहां पे, देखिए मैं आपको बताऊं, उस वक्त के बीजेपी और आज के बीजेपी में फर्क क्या है। आज के बीजेपी का जो स्लोगन है, जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, उस वक्त के बीजेपी में एक चीज और जुड़ी थी, सबका साथ सबका विकास तो था ही, लेकिन सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान, ये जो एक चीज है सबका सम्मान, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में थी। आपने भी अभी बोला, और अगर पहले के न्यूज को आप देखेंगे, ऐसी घटनाओं को देखेंगे, डिस्प्यूट हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई चीज उन्होंने रेज की हो किसी के अगेंस्ट, लेकिन पूरे सम्मान के साथ, उनके साथ के लोग, दूसरी पार्टी के लोग हारे या जीते, लेकिन मानव मात्र का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान उन्होंने हर छोटे बड़े आदमी को दिया, उस एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर होते हुए। ये खास यूएसपी मैं देखता हूं उस वक्त के बीजेपी की जो लीडरशिप स्टाइल थी उसमें, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो थी वो ये थी, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान मेंटेन करना राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत कठिन चुनौती होती है, लेकिन उसको भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही सौम्यता के साथ जो है उसको भी करके दिखाया। बिल्कुल, बहुत ही सौम्यता के साथ करके दिखाया। एक चीज और कि एक नई प्रथा राजनीति में उन्होंने शुरू की कि अगर कोई भी पार्टी, चाहे हम सत्ता में होते हैं चाहे नहीं होते, कोई भी विपक्ष पार्टी अगर वो सत्ता में होते हैं तो ठीक है, और अगर वो विपक्ष में बैठते हैं और कोई भी पार्टी वो जाती है कि वो देश का विकास हो, तो पूरी तरीके से वो उसका समर्थन करते थे, वो ये नहीं कहते थे कि नहीं हम इसका विरोध करेंगे। तो उनकी ये जो छवि थी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी छवि मानी जाती है। देखिए एक चीज मैं बताऊं, जो देश का असली सपूत होता है ना, वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठा होता है,
उसके मन में, उसके हृदय में हमेशा यही कल्पना रहती है, यही सिद्धांत रहता है कि हमारे देश का विकास हो। और जिसकी विचारधारा है, जिसका विचार बहुत उच्च होता है ना, देखिए प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है, कोई एक आदमी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई हो, अकेले वो देश का विकास नहीं कर सकता है, हर चीज की लिमिटेशन होती है। वाजपेयी जी इस चीज को समझते थे कि अगर 100 करोड़ के देशवासी लोग जब एक साथ आएंगे, हर आदमी की भागीदारी है, और अगर भागीदारी हम हर आदमी को नहीं देंगे, चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का, तो लोगों को महसूस कैसे होगा कि हाँ भाई लोकतंत्र में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देश के विकास में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोकतंत्र का होना सैद्धांतिक रूप में उतना जरूरी नहीं है जितना कि सब लोगों को ये महसूस हो कि हाँ भाई ये लोकतंत्र है। न्यायालय में, कोर्ट में एक कहावत है, न्याय होना या न होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि दोनों पक्षों को, यानी जिसने मुकदमा किया है, जो गलत है जो सही है, दोनों पक्षों को ये रियलाइज हो कि हाँ भाई उसको न्याय मिल रहा है। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, हाँ वाकई में ये लोकतंत्र है, इस चीज का एहसास अगर जन जन को किसी ने करवाया तो शुरू से, आजादी के बाद से लेके अब तक, मैं ये बोलूंगा कि इकलौते और इकलौते, इसमें तो मोनोपोली है वाजपेयी जी की, इसको मानना पड़ेगा, ये केवल वाजपेयी जी थे जिन्होंने पक्ष को भी ये एहसास कराया, विपक्ष को भी ये एहसास कराया, हर जाति हर धर्म के छोटे बड़े लोगों को ये एहसास कराया, हाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो सबकी इसमें भागीदारी है, और आपके कारण लोकतंत्र है, ऐसा कि ऐसा नहीं कि बीजेपी के कारण है या वाजपेयी जी के कारण लोकतंत्र है। अगर एक भी आपको ऐसा कोई उदाहरण मिल जाए जो कि इस भूमिका को जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, आज देखिए आज भी बीजेपी है, कल भी थी, पहले भी दूसरी पार्टियां थी, रीजनल लेवल पे भी पार्टियां हैं बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर पार्टी सिलेक्टिव हो जाती है किसी न किसी जाति धर्म संप्रदाय के लिए, केवल उन्हीं के लिए उनका फोकस या इंक्लिनेशन राजनीतिक और आर्थिक रूप से हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर देखा जाए तो कभी किसी की तरफ उनका इंक्लिनेशन नहीं हुआ, उनका इंक्लिनेशन हुआ केवल देश के तरफ हुआ, देश के हर आदमी की तरफ हुआ, क्योंकि वो देश और देश की जनता को कभी भी अलग करके नहीं देखते थे, वो इस चीज को मानते थे, देश बनता ही देश की जनता से है, देश की जनता को किसी भी एक आदमी को आप अलग नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, अटल जी ने जिस सिद्धांतों पर चलकर ये पार्टी बनाई थी और वर्तमान में जो बीजेपी है, कितना अंतर पाते हैं? क्या उसी सिद्धांतों पर ये पार्टी चलती आ रही है? क्या उन्हीं सिद्धांतों को सारे नेता जो बीजेपी के हैं वो अपना रहे हैं, या कुछ इसके अलग भी अब कुछ लोग करने लगे? नहीं, देखिए चेंजेस बहुत है, अगर नेचर आप देखेंगे, नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे, सैद्धांतिक रूप पे भी चेंज आया है, जो टारगेट है, राजनीतिक जो लक्ष्य होते हैं या देश के लिए जो लक्ष्य होते हैं, उस वक्त की बीजेपी और आज की बीजेपी में बहुत फर्क आ गया है, बहुत फर्क नहीं बल्कि पूरा ही फर्क आ गया है। देखिए हमारे देश की जो पुरातन परंपरा रही है, जैसे कि भाई हर आदमी को महत्व दिया जाए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, मुझे लगता है ये केवल और केवल उस पीरियड में थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लीड कर रहे थे, जितना जिस पीरियड तक उनका मतलब कार्यकाल रहा है, उसके पहले भी अगर आप ये देखेंगे छोटे मोटे उदाहरण और मिलते हैं। लोकतंत्र का असली मकसद, असली मतलब अगर आप देखेंगे तो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज बीजेपी में देखिए भाई 120 करोड़ लोग हैं, तो हर आदमी के लिए जरूरी है कि वो ये महसूस करे कि सरकार मेरे लिए है, मैंने सरकार बनाई है, जो लोकतंत्र की डिफिनीशन है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, जो है ये लिंकन ने जो ये दिया था कि जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है, इस चीज का असली एहसास तो केवल वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ था। आज जो बीजेपी है, देखिए अपने लक्ष्य को उनको प्राप्त करना है, बहुत सारे ऐसे जो कि वाकई में देखा जाए तो अच्छे सिद्धांत जिनको नहीं बोला जा सकता है, युद्ध जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ठीक है, वो सही है, लेकिन सैद्धांतिक कसौटी पे जब आप उसको, और स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे, जो हमारी महान परंपरा रही है, तो उसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। यही हाल उनके पहले जो सरकारें रही थी, कांग्रेस की आप ये देखिए, कांग्रेस ने भी कई बार ऐसे काम किए हैं या ऐसी चीजें की हैं जहां पे कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन हुआ है, और रीजनल पार्टियां जितनी भी पैदा हुई हैं उनको तो आप ये मान के चलिए उन्होंने तो लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करके ही अपनी सरकार बनाई है। और मैं ये दावे के साथ बोलता हूं, आप किसी भी पार्टी को देखिए, हमेशा सेलेक्टिव होके एक जाति और एक धर्म को सेलेक्ट करके उन्होंने मुद्दा बना करके उन्होंने चुनाव जीता है, सब लोगों को साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान, ये चीज अगर आपको कहीं मिलेगी तो ये केवल अटल बिहारी वाजपेयी में मिलेगी, न भूतो न भविष्यत, यानी
उनके पहले भी नहीं और उनके बाद भी मुझे देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखने को भी मिलती हैं कि जब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मौजूद होते हैं उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीधा जागता उदाहरण आपको दिख जाएगा। नहीं, वो देखिए, केवल ये तो आप एक पॉलिटिकल एरिना में आप दिखा रहे हैं ना। आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे, आप उनके जिंदगी को देखिए। देखिए, ग्वालियर में पैदा हुए, लखनऊ वगैरह से होते हुए, कहां कहां से होते हुए अंतिम लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। आप मुझे एक चीज ये बताइए, काफी वो पढ़े लिखे थे, इतना संघर्ष करने के बाद, वो खुद भी एक पत्रकार थे, इतना पत्रकार से करियर की शुरुआत ही की थी। हाँ, करियर की शुरुआत ही उन्होंने पत्रकारिता से की थी। देखिए, एक साधारण से आदमी की क्या चाहत होती है, अच्छी नौकरी मिल जाए, वो चाहते तो वो कर सकते थे ना। लेकिन उन सब चीजों को छोड़ करके उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और बहुत दिनों तक उनको सफलता नहीं मिली। वो संघर्ष के रास्ते पे चलते चले गए। उन्होंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। ऐसा दूसरा उदाहरण मैंने आपको एक वर्ड बोला है, न भूतो न भविष्यत, नाइदर इन पास्ट नॉर इन फ्यूचर, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि देखने को मिलेगा। ये कहते हैं कि राजनीति हर किसी को निष्ठुर बना देता है। जब लोग फर्श से अर्थ तक पहुंचते हैं तो तमाम चीजें नजरअंदाज कर दे, लेकिन बीजेपी वाजपेयी जी की जो छवि थी लोगों को जोड़ना, वो वाकई में लोगों को जोड़ कर रखते थे, बांध कर रखते थे, ये उनके अंदर काबिलियत थी। देखिए, मैंने आपको बताया उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में महान और सबसे अलग था। मैं आपको बताता हूं, किसी भी एक काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, राजनीति को, तरीके, फलसफा, रास्ते, सिद्धांत अलग हो सकते हैं। राजनीति व्यक्ति को निष्ठुर तब बनाती है जब आपके सिद्धांत निष्ठुरतावादी हो, ठीक है। अगर आपके सिद्धांत निष्ठुरतावादी नहीं है तो आप टॉप पे पहुंच के ना तो आप कभी निष्ठुर बनेंगे और ना राजनीति और उसके सिद्धांत कभी भी निष्ठुर रूप में प्रतिपादित होंगे। क्योंकि वाजपेयी जी का सिद्धांत जो था वो इतना सरल था, तो आगे चल के जब वो सक्सेस हो गए तो वो निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। ये क्वेश्चन केवल इस चीज पे है कि आपका सिद्धांत क्या है। आपका सिद्धांत, आपका राजनीतिक सिद्धांत अगर निष्ठुर है तो आप निष्ठुर रहेंगे। हिटलर का सिद्धांत निष्ठुर था तो वो निष्ठुर था। जिसका सिद्धांत सॉफ्ट था वो हमेशा, उन्होंने सॉफ्ट राजनीति की है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व छवि के जो थे अटल जी, उन्होंने सब चीजों को जोड़ के रखा और पार्टी को भी जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदली, हालात बदली, पार्टियों के अंदर सुगबुगाहट भी होनी और चीजें बदलती गई। नहीं, देखिए, ये बदलाव तो वाजपेयी जी खुद इस चीज को बोलते थे कि देखिए, बदलाव तो सृष्टि का शाश्वत नियम है, वो चाहे पार्टी हो चाहे जो भी हो। सवाल ये है कि जो सबसे खास बात मुझे ये दिखती है कि वाजपेयी जी के पूरे टेन्योर में, मतलब जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, जब वो चुनाव नहीं जीते, जब वो सांसद रहे, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने, देखिए, बदलाव के साथ ढलना भी एक बहुत बड़ी कला है और ये जरूरी भी है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में। मैं आपको फिर बोलता हूं कि बदलाव के साथ सिद्धांत, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो नहीं बदलने चाहिए। इसका जीता जाता उदाहरण अगर आपको कभी मिलेगा तो वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके नेतृत्व काल के टाइम की जो उनकी पार्टी की जो राजनीतिक जो है पराकाष्ठा थी या राजनीतिक जो इमेज थी, वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। बदलाव एक सामंजस्य के लिए करना जरूरी है, लेकिन कुछ कोर बेसिक प्रिंसिपल पे बदलाव उन्होंने कभी नहीं होने दिया है। और यही कारण है कि जो आपने बोला राजनीति जो है वो आदमी को निष्ठुर बना देती है, राजनेता को निष्ठुर बना देती है, या आदमी जब सफलता की पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो उसके अंदर बदलाव आ जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके जो कोर बेसिक, उनकी जो फिलॉसफी थी, जो उनके सिद्धांत थे देश के लिए, राजनीति के लिए, वो कभी नहीं बदले। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पूरा व्यक्तित्व है वो हमेशा ही बड़ा सौम्य रहा है और सबको साथ लेके चलने वाला रहा है। यही कारण रहा है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हर आदमी उनको अपना नेता मानता था। पार्टी के अंदर ही नहीं, बाहर भी उन्होंने संबंधों को मजबूत रखने के लिए बहुत सराहनीय कदम उठाए। और याद होगा कि 1999 में जब वाजपेयी जी ने बस की यात्रा कर लाहौर पहुंचे थे तो उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन पाकिस्तान से संबंधों को मधुर करने के लिए एक अच्छी पहल थी वाजपेयी जी की। देखिए, ये उदाहरण अपने आप में परिपूर्ण है यह बताने के लिए कि किसी आदमी की विचारधारा क्या है। आप ये देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे बार 3-4 बार युद्ध हो चुके हैं, दुश्मनी अपने चरम पर थी,
ऐसे मतलब कठिन परिस्थिति में ये जानते हुए भी कि एक हमारा राइवल जो है कंट्री है, एक दुश्मन मुल्क है, अपने आप पहल करके वहां जाना, बस सेवा शुरुआत करना, पब्लिक के लिए उस बस सेवा को ओपन करना, तो जो आदमी उन्होंने केवल अपने देश में ही एक दूसरे से जोड़ने का काम नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी का अगर दूसरा नाम अगर ये रखा जाए, देखिए आप थोड़ा सा और मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं, पूरे देश को सड़कों का जाल बिछा के जोड़ने की, जो जोड़ने का आपने वो शब्द यूज किया है, सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रेल जो है ये प्रोजेक्ट चलाया कि आपके फोर वे के फोर लेन के जो हाईवे बनेंगे गोल्डन क्वाड्रेल, ये प्रोजेक्ट ये कॉन्सेप्ट भी पूरे देश को एक दूसरे एक कोने से दूसरे कोने जोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसी वक्त उन्होंने इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था कि रोड से जुड़ने के बाद हम नदियों को भी जोड़ेंगे। तो चाहे मानव रहा हो, चाहे पड़ोसी देश रहे हो, चाहे पक्ष रहा हो, चाहे विपक्ष रहा हो, चाहे भौगोलिक कोई प्रोजेक्ट रहा हो या परिस्थिति रही हो, अटल जी ने हमेशा हर एक दूसरे को जोड़ने का काम किया, एक को दूसरे से। और उसका कारण है, चूंकि वो एक कवि भी थे, उनका उनके हृदय में एक कवि भी निवास करता है, और एक कवि ही इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जान सकता है कि एक जो सिंगल माला की मनिका मनका होती है ना अकेले, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो एक एक माले को जो है धागे में पिरो करके कैसे पूरी माला बनाई जाए एक दूसरे को जोड़ते हुए, ये चीज चूंकि वो एक कवि भी थे, ये चीज इस चीज को इस कॉन्सेप्ट को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, उनकी ये विचारधारा हर प्रोजेक्ट में दिखती थी, चाहे देश के डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे पड़ोसी देश के साथ संबंध सुधारने हो, चाहे पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल बैठाना हो, चाहे देश की जनता के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बैठाना हो, तो ये काम केवल और केवल अटल बिहारी वाजपेयी ही जी कर सकते थे, और उनकी महारत थी। देखिए उन्होंने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट किए, जितने भी काम किए, हमेशा जोड़ के किए हैं, कभी बल का प्रयोग करके, कभी किसी को तोड़ के उन्होंने नहीं किया है। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि राजस्थान के पोखरण में परमाणु का परीक्षण किया गया था, उसको एक बड़ा साहसिक कदम बताया गया था, और जब जब परमाणु की बात की नाम होगी और चर्चा की जाएगी तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम उससे जरूर जुड़ेगा। देखिए जिस वक्त ये प्रोजेक्ट किया गया था, केवल इतना ही नहीं, देखिए इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो परमाणु बम का विस्फोट करना था बहुत जरूरी था, और इसके लिए अटल इरादों की भी जरूरत थी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप कर नहीं सकते हैं, पहले भी करने की कोशिश की गई थी लेकिन अमेरिका को भनक लग गई, ये ऐसी खबरें हैं, मुझे पता नहीं क्या फैक्ट है, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, लेकिन वो रोक दिया गया था। अटल जी ने इसको करने के लिए किया, और पूरी जो उन्होंने प्लानिंग की थी कि किस तरीके से हमारे साइंटिस्ट जो है बैलगाड़ियों में और कॉमन आदमी के वेश में जो है उस परीक्षण स्थल पे पहुंचे, जबकि अमेरिका का सैटेलाइट ऊपर हमेशा जो है निगाह रखे हुए था, इसका जो टेक्टिकल एग्जीक्यूशन आप कभी अलग से डिबेट करिए तो वो बताया जा सकता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन राजनीतिक पॉलिटिकल विल जो एक इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए कि परीक्षण करना तो आसान है लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन आती है, इंटरनेशनल सैंक्शन जो लगते हैं, आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल परीक्षण किया और उसके बाद सैंक्शंस वगैरह भी लगे, तो उन परिस्थितियों का भी बहुत सफल तरीके से मैनेजमेंट किया, जो अपने आप में सफलता का एक बहुत 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 महत्वपूर्ण और जीता जाता उदाहरण है। अटल जी बेहद स्मरणीय तो हैं और रहेंगे, लेकिन व्यवहार में जो वाजपेयी हैं वो उनके व्यक्तित्व को कितना उतार पाते हैं, आप कहां तक देखते हैं इस चीज को? देखिए पहली चीज ये है कि अटल जी का व्यक्तित्व इतना आदर्श था ना कि मुझे नहीं लगता है कोई और दूसरा नेता जो है उसको अपने व्यवहार में प्रैक्टिकल वे में उतार पाएगा, उसके लिए रीजन है। देखिए इतने आदर्श जो है, अगर आप अपनी पृष्ठभूमि बनाएंगे या आपका जो डेली रूटीन है, कार्यकलाप है, आपका व्यवहार, अगर आप इतना आदर्श करेंगे ना, तो ये बहुत संघर्ष की जरूरत है, और उस संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अटल जी के व्यक्तित्व की एक परिभाषा ये भी है ना कि उन्होंने संघर्ष से कभी भी उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, उसके लिए चाहे कितना भी उनको त्याग करना पड़ा हो, एक एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन सरकार का लालच उन्होंने नहीं किया, सिद्धांत के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया, एक वोट को मैनेज करना तब भी, आज भी और फ्यूचर में भी कोई बहुत बड़ी बात या चैलेंज नहीं होता है, स्पेशली भारत के डेमोक्रेसी में, लेकिन वहां पे भी उन्होंने समझौता नहीं किया। तो अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि कौन उतार पाएगा उस आदर्श को अपने जीवन में,
तो मैं नहीं मानता हूं कि मुझे, और आज के डेट में तो मुझे कोई ऐसा दिखता भी नहीं है। ठीक है, कोई होगा किसी पोस्ट पे, चुनाव लोगों ने बहुत जीते होंगे, लेकिन उस आदर्श के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए, यानी डे टू डे की लाइफ में उस चीज को करते हुए, ऐसा मुझे कोई पार्टी या कोई राजनेता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, आपने कहा कि एक वोट से सरकार गिर गई थी और लगातार ये बात हो भी रही थी कि सरकार गिर गई, और उस वक्त अटल बिहारी जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनकर रहेगी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो ये बात कहीं ना कहीं आज सही साबित होती दिख रही है। नहीं देखिए, ये उन्होंने बॉम्बे में ये चीज बोला था जो है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुझे विश्वास है कि सूरज उगेगा कमल खिलेगा जो है, तो ये विश्वास देखिए, जो आदमी सत्य के, कर्तव्य के और सिद्धांत परक जो है, कर्तव्य के मार्ग पे रहता है, उसको सफलता मिलनी निश्चित होती है, देर सवेर वो हो सकता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जानते थे कि अनंतिम सफलता अनंत, देखिए मैं आपको बोलूं, आज अगर बीजेपी ने विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया है तो आज के नेताओं का रोल नहीं है। इतनी बड़ी सफलता जिसको कि मैं अनंतिम अल्टीमेट सक्सेस बोलता हूं, अनंतिम सफलता बोलता हूं, उसके लिए जो बैकग्राउंड पहले तैयार किया गया, गांव गांव तक कमल को पहुंचाया गया, जो पूरी मतलब वर्कर्स को जो बनाया गया, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, ग्राउंड लेवल पे जो काम किया गया, आज वो सफलता आपको दिख रही है कि पूरे विपक्ष का, विपक्ष में वो भी कांग्रेस और ऐसी सैकड़ों पार्टियां रीजनल लेवल पे जिनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड था, उनको हराना, सूपड़ा साफ करना तो दूर की बात है, उनमें अपनी पहचान बनाना, जगह बनाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और देखिए मैं बताऊं, 2014 के इलेक्शन में 2-3 महीने कैंपेनिंग चली थी ना, तो 3 महीने कैंपेनिंग करके कोई इतना बड़ा लक्ष्य कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई कितना भी बोल दे हाँ जी मेरी 2 महीने की कैंपेनिंग के कारण ये चीज हो गया, इट इज नेवर पॉसिबल एट ऑल। मैं आपको बता देता हूं, इसके पहले अटल जी और उनके साथ के नेताओं ने जो निर्विकार होकर के जो सेवा की थी राजनीति में, मतलब उसका उनको कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उन्होंने सेवा भाव से जो राजनीति की थी, जो सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया था, जो एक छोटा सा बीज उन्होंने सिद्धांतों का बोया था, आज वो वट वृक्ष के रूप में दिख रही है। जो बीजेपी की सरकार है, अब इसको बीजेपी वाले ही चाहे कुछ भी बोले कि जी हमने कर दिया तो ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन फैक्ट ये है कि वाकई में वो बीज का जो प्रतिपादन हुआ था, बीज जो रोपित किया गया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ही हुआ था। राजनीति पर आपकी खासी पकड़ है मिश्रा जी, लेकिन एक चीज और कि प्रधानमंत्री के तौर पर अटल जी का कार्यकाल और प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का कार्यकाल, कितना अंतर पाते हैं दोनों के कार्यकाल में? बहुत जबरदस्त अंतर है। देखिए मोदी जी का जो कार्यकाल है, मैं देखिए सिद्धांत इसको 2-3 पैरामीटर पे हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आप प्रिंसिपल बेस पे कर लीजिए, उस वक्त अगर ये माना जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता थे, तो उस वक्त जो राजनीति के बीजेपी के जो सिद्धांत थे वो टोटली अलग थे। आज की डेट में बीजेपी का जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा निष्ठुर हो गया है, जो अभी आपने बोला है, इसका कहने का मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन या डेड कॉम्पिटिशन, कि भाई कॉम्पिटिशन है, हमें चुनाव जीतना है, कैसे भी करके जीतना है, उसके लिए हमें कोई भी मुद्दा बनाना पड़े, उसके लिए चाहे हमें हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा बनाना पड़े और हम सबको छोड़ दें, ऐसा। तो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो सैद्धांतिक रूप पे चेंज आया है। सैद्धांतिक रूप में चेंज ये आया है कि भाई हम जीत गए हैं, हमारी सरकार है, तो विपक्ष की भूमिका को नगण्य कर दिया गया है। विपक्ष देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे खास बात क्या थी कि अगर कोई प्रोजेक्ट, परियोजना या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था ना, तो ऐसा नहीं कि उनकी सरकार है, उनका बहुमत है तो केवल वो करेंगे। विपक्ष को भी बड़े आदर के साथ वो उनका भी राय, उनका भी ओपिनियन लेते थे, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आज की डेट में जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप हो गया है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप का मतलब कि एक आदमी या एक पार्टी ने जो डिसाइड किया, उसके बाद विपक्ष हां करे नहीं करे, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे बड़ा जो लीडरशिप स्टाइल चेंज हुई है वो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल से ऑटोक्रेटिक में आ गई है। ये केवल बीजेपी में ही नहीं है, ये सारी पार्टियों में आ गई है, और ये दौर दौर की बात होती है। जैसे एक दौर वो था राजनीति का जब इंदिरा गांधी टॉप पे थी और अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह या बीजेपी वगैरह संघर्ष कर रही थी, तो इंदिरा गांधी का अपना कुछ लीडरशिप स्टाइल था, उसके बाद ये लीडरशिप स्टाइल चेंज हुई, आज फिर लीडरशिप स्टाइल। तो चेंज ऑफ लीडरशिप स्टाइल ये एक सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो है सैद्धांतिक रूप में चेंज है। दूसरी चीज है, अगर आप ये देखिए
कि अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें, अगर पूरे देश के उसमें ये बात करें, तो यहाँ पे केवल एक चीज ये नहीं है कि आपने चुनाव लड़ा, आप चुनाव लड़कर के जीत गए और सरकार बना ली, और आप, मैं मानता हूँ आप विकास कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, हो सकता है आपसे भी अच्छा विकास दूसरी पार्टियों ने किया। मैं फिर बोलता हूँ कि पक्ष के साथ साथ केवल पक्ष के या उनके समर्थकों को ये महसूस हो रहा है कि भाई हम जीत रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। लोकतंत्र में, पार्टिसिपेटिव स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जो आपके विरोधी हैं या जो न्यूट्रल हैं, जो किसी राजनीतिक विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको ये एहसास हो कि हाँ ये विकास हो रहा है, हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो एक अंतिम आदमी। देखिए हर पार्टियां ये बोलती हैं, कतार में खड़े हुए अंतिम आदमी तक भी विकास पहुंचना चाहिए, उसको ये महसूस होना चाहिए कि उसके लिए न्याय है, उसके लिए सरकार है। ये सारी चीजें अगर आपको दिखेंगी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में दिखेगा, और यही चेंजेस आज के टाइम में तब के और अब के बीजेपी में आ गए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो ज्यादा सही है या ये ज्यादा सही है, हो सकता है समय की ये ऐसी डिमांड रही हो कि इन लोगों ने ये सोचा कि अब हमें ये चेंज करना चाहिए। अल्टीमेटली अगर इन्होंने चेंज किया तो वो चेंज इसलिए किया चुनाव जीतने के लिए और सत्ता के लिए। चाहते तो अटल बिहारी वाजपेयी भी कर सकते थे, लेकिन मानव मूल्य मात्र के साथ, मानव मूल्यों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप स्टाइल और आज की लीडरशिप स्टाइल में सर आप कोई कंपैरिजन मत करिए। मैटेरियलिस्टिक रिजल्ट हो सकता है आज ज्यादा बेटर हो, बिल्कुल, लेकिन सैद्धांतिक और मोरल रिजल्ट उस वक्त ज्यादा बेटर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी छवि के थे, और उनकी जो राजनीतिक पकड़ थी वो भी बहुत अच्छी थी, और जो उनका था कि एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल वो भी बहुत शानदार था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता इस समय नजर बनाए हुए हैं। मैं एके मिश्रा जी के पास में आना चाहूंगा। मिश्रा जी, याद है कि अभी जो वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी जो है वो आलोचना झेल रही है, लेकिन अगर हम ज्यादा पीछे जाते हैं, 45 साल पहले की बात करते हैं, तो जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उस समय वो विरोध नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे और विरोध करने बैलगाड़ी से पहुंचते हैं, वो भी यादें ताजा हो जाती हैं। नहीं देखिए, पेट्रोल और डीजल अगर अपने इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए ना, तो पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कॉमोडिटी है, एक ऐसा चीज है। देखिए इसकी प्राइसेस बढ़ना या घटना, इसके लिए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर जो है जिम्मेदार होते हैं। अगर ये बैलगाड़ी से उस वक्त भी, डेफिनेटली अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंचे थे, उस वक्त भी प्राइसेस बढ़ी थी। अब वो सही थी या गलत थी, किन कारणों से बढ़ी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को मेंटेन केवल एक ही चीज़ पे किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाने में कितना पैसा है, कितना सब्सिडी दिया जा सकता है, कितना इंटरनेशनल लेवल पे परचेस के टाइम पे हम बार्गेन कर सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कंडीशन है, ये एक बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर है। लेकिन हाँ, अगर वाकई में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिससे लगता है कि देश के लोगों को परेशानी हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रतीकात्मक रूप से विरोध करना ये एक सबसे अच्छा तरीका था अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि आप बैलगाड़ी से वहाँ पे पहुँचिए। उसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये है, देखिए बैलों का हमेशा से ही, आज जब पेट्रोल और डीजल नहीं थे तो बैलगाड़ी और बैलों का हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत सोने की चिड़िया जब थी तो केवल बैलगाड़ी और बैलों के कारण थी, उस वक्त गाड़ी मोटर नहीं थे। तो मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि प्रतीकात्मक तौर पे अपने रोष को दर्शाने के लिए उन्होंने उसको एज ए सिंबल यूज किया था, जो अपने आप में एक संपूर्ण था, और उससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और अटल जी के 5 कदम जिन्होंने भारत की जो तस्वीर थी वो बदल दी, उसमें ऐसा कि देश को सड़कों से जोड़ना, और सबसे बड़ी बात कि वित्तीय समाधान से बाहर निकालना, वित्तीय जो संस्था थी वो समाधान को लेकर उन्होंने भी उस ओर बहुत अच्छा काम किया। देखिए शुक्ला जी, मैं आपको बताऊं, भारत जैसे विकासशील देश के लिए, हालांकि लोग बोलते हैं भारत गरीब देश है, मैं नहीं मानता हूं, मैं बोलता हूं कि भारत बहुत अमीर है, इसकी जो गरीबी है वो छद्म गरीबी है, मतलब सूडो गरीबी है, गलत तरीके से वो है तो बहुत अमीर, और पहले भी था, अभी भी है, हजारों बार लुटने के बाद। मैं आपको बताऊं, देखिए भारत जैसे देश में केवल 4-6 चीजें अगर कर दी जाए, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत पहले ही इस चीज को समझ लिया था, तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा, विकास के ऑटो मूड पे आ जाएगा। देखिए सबसे पहला ये था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सोचा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, एक कोना दूसरे कोने से कैसे जुड़े, इसके लिए उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटर, स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क की जो वो की थी। आप ये देखिए, अगर
हाईवे बन जाती है तो कितना आपका टायर घिसने से बचता है, कॉस्ट कितना, डीजल कितना, पेट्रोल बचता है, CO2 का इमिशन का वो कम होता है, CO2 फुटप्रिंट कम होता है, पॉल्यूशन कम होता है, उसके बाद चीज़ों का, गुड्स का, सामान का, कोई भी चीज़ हो, बहुत तेज़ी से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकती है, तो इसलिए चीज़ों की प्राइसेस नहीं बढ़ती है। देखिए बंगाल का जो अकाल हुआ था और लाखों भारतीय मरे थे ना, वो इसलिए नहीं मरे थे कि हमारे पास चीज़ें थी नहीं खाने के लिए, वो इसलिए मरे थे कि समय पे मदद पहुंच नहीं पाई थी उस वक्त वहां पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन, वो चीज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझी थी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पसंद आती है, उनका जो कॉन्सेप्ट था नदियों को जोड़ना। आप ये देखिए, ट्रिलियन एंड ट्रिलियन लीटर ऑफ वाटर जो हिमालय या पहाड़ों से निकलता है प्योर वाटर, वो समुद्र में निकल जाता है, एक पार्ट में बाढ़ आ जाती है, दूसरे पार्ट में साउथ इंडिया वगैरह या कहीं और आप देखिए वहाँ एक बूंद पानी नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो आज मूर्त रूप में जो है प्रकट हो रही है और साकार होने जा रही है। तीसरी चीज़ें अगर ये देखा जाए, जैसे आपने फाइनेंशियल्स के लिए बोला, तो फाइनेंशियल चूंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है शुरू से ही हमेशा मिक्स टाइप की इकोनॉमी को हम लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया हुआ है कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर और सहकारी संस्थाएं सब मिल करके इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है। इनफैक्ट उस चीज़ पे भी अगर ये देखा जाए, उस टाइम पे भी अगर ये देखा जाए, तो जितना भी इकोनॉमी के लिए हो सकता था रूल्स एंड रेगुलेशन को लिबरल करना, नए रूल्स को बनाना, कैसे चीज़ों को इजी किया जाए ताकि आदमी को बिजनेस करने में या इंटरनेशनल कंपनीज को या लोगों को जो भी है बिजनेस कम्युनिटी को जो है, ताकि फाइनेंस जो मजबूत है, इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान मैं एक चीज़ को मानता हूँ शुक्ला जी, मूर्त रूप में कोई चीज़ आए या ना आए, लेकिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनैतिक पटल पे, उसके साथ साथ आर्थिक पटल पे और टोपो जियोग्राफिकल जो डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कुछ ऐसे नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो भारत के विकास में आगे चल करके मील के पत्थर साबित होंगे और हो रहे हैं। अगर भारत कल बहुत विकास कर जाता है तो डेफिनेटली उसमें मूलभूत तरीके से देखा जाए तो जो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, उसका रोल, उसका जो एक भूमिका है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और एके मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीति विश्लेषक हैं। एके मिश्रा जी, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। हाँ देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपके चैनल पे था, ये एक अपूर्णीय क्षति है, ये एक ऐसी क्षति है जो कि आइडियोलॉजिकल वे में, देखिए प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, लोग हारते हैं जीतते हैं चुनाव, लेकिन जो आइडियोलॉजी उन्होंने रखी राजनीति में, कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना, इस क्षति की कभी भी पूर्ति नहीं हो पाएगी, न भूतों न भविष्य, न पास्ट में और फ्यूचर में भी। नेता अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिप्लेस करना, उनके सिद्धांतों को रिप्लेस करना आज अपने आप में सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल, एके मिश्रा जी, उनके कार्यकाल को अगर याद किया जाए तो जहन में एक ही चीज तस्वीर उभर कर आती है कि उन्होंने भारत के विकास के लिए बहुत कुछ किया, और उनके जो शब्द थे कि वो थे कि जीवन में हर आने वाली हर विषम परिस्थितियों में उन्होंने कभी हार नहीं मानी और चुनौतियों को स्वीकार किया, और उन्होंने कभी भी पराजय की प्रस्तावना नहीं की। कविताओं को लेकर उन्होंने कहा था कि मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। उनकी कविता की ही एक लाइन है कि काल के कपाल पे, काल के कपाल पे मतलब काल यानी समय, समय से फाइट करना, वो उनकी पूरी जिंदगी, उन्होंने हमेशा अगर किसी को चैलेंज किया तो अपने प्रतिद्वंदियों को या मानव को नहीं किया, उन्होंने उनकी लड़ाई जो थी वो काल काल से थी, वो काल को मात देना चाहते थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए कि वास्तव में उन्होंने काल को भी मात दे दी, काल के कपाल पे, उसके माथे पे भी उन्होंने स्वर अक्षरों पे जो वो करना चाहते थे, जिसके लिए अटल थे, वो लिख दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है ग्रोथ पहले भी हुई थी, ग्रोथ बाद में भी होगी, लेकिन ग्रोथ की स्वर्णिम भारत के लिए जो एक सपना और एक सिद्धांत जो देखना, वो जो उन्होंने देखा था, जो सिद्धांत दिया था, वो बहुत उपयोगी है, और भारत स्वर्णिम भारत का निर्माण उसी से होगा। इसका एक उदाहरण दूंगा, स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे पहले कॉन्सेप्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड का नेटवर्क बनाना। अटल बिहारी वाजपेयी जी की खूबी रही है कि मानवीय प्लेटफॉर्म पे और मानवीय प्लेटफॉर्म के इतर वहां पे भी उन्होंने हर चीजों को हर आदमी को बखूबी जोड़ा है। ग्रोथ कैसे होगा, ग्रोथ के डिफरेंट सेक्टर को जोड़ना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, संगम कराना, मिलाना,
पक्ष को विपक्ष को एक नेता को दूसरे नेता के साथ जोड़ना, हमेशा सर उन्होंने जोड़ने का ही काम किया है, कभी तोड़ने का काम नहीं किया है। ये खूबी राजनीति में कभी जल्दी देखने को मिलती नहीं है, राजनीति में तो हमेशा तोड़फोड़ ही रहती है। बिल्कुल अटल जी की सबसे बिल्कुल अटल जी की सबसे बड़ी खासियत यही था कि उनका दिल बहुत बड़ा था, और यही वजह है कि ऐसा कोई नहीं जो उन्हें पसंद ना करता हो। देखिए कहने को तो सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरा भी दिल बहुत बड़ा है, सबका दिल बड़ा है, लेकिन इसको जरा टेक्निकल वे में समझिए। देखिए बड़ा दिल उसी का होता है जिसके दिल में मानवीय संवेदनाओं के लिए झलक हो, एक जगह हो। आप अटल जी की कोई भी एक्टिविटी देखिए, अगर वो कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट का, अगर गोल्डन क्वाड्रेंट अगर हम देखें और नदियों को। बहुत बहुत शुक्रिया AK मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो वाकई